हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला यादव, स्वागत करती हूं अपने चैनल मैजिक मसाला बाय माला में। आज मैं हेल्थ से रिलेटेड एक जूस लेकर आई हूं, पेठे का जूस। ये हमारे हेल्थ को बहुत ही इम्प्रूव करता है। इसका जूस हमारे लिए बहुत बेनिफिट है डे टू डे के जीवन में, जब हमको अपने हेल्थ के लिए टाइम नहीं मिल पाता। दोस्तों, ये जो जूस है, मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया है और इस जूस को मैं खुद भी अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ। चूँकि लॉकडाउन के टाइम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी गैस्ट्रिक की, तो हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर ने मुझे ये पीने की सलाह दी थी, तब से ये जूस मैं पी रही हूँ। तो आप भी इसका कंज्यूम कीजिए। चलिए, इसमें क्या चीज़ें लगने वाली हैं इसको बनाने के लिए हम देख लेते हैं। इसमें मैंने ये एक पेठा ले लिया है, ये ऊपर से हरा होता है, अंदर से वाइट होता है। इसे मैंने काट लिया है, आधा काट लिया है, आधा यूज़ कर रही हूँ। मैं दो लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। ये पेठे दो तरह के आते हैं, एक बहुत बड़ा साइज़ का भी आता है, तो लेकिन जो बड़े साइज का काफ़ी बीज होते हैं उसको निकाल के ही हमको उसको काटना चाहिए। इसमें बीज बहुत छोटे हैं, कच्चे हैं, वो पिस जाएंगे। तो दोस्तों, मैं एज इट इज ही काट रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको काट लिया है। दोस्तों, इसको पीने से हमारी जो आँख की रोशनी होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है ये। और जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स उसे दूर करता है। ये मैंने काट लिया है, थोड़े से मैंने पुदीना के पत्ते भी ले लिए हैं जो इसके फ्लेवर को और भी बढ़ा देंगे। इसका अपना टेस्ट जो है टेस्टलेस होता है बहुत। दोस्तों, इसको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए, उसके बाद हाफ एन आवर कुछ नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों की तासीर ठंडी है उनको थोड़ा सा इसको सोच समझ के पीना चाहिए, क्योंकि इसका तासीर बहुत ही ठंडी प्रवृत्ति की है। तो जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है या जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये रामबाण है। ये मैंने आधा चम्मच छोटा चम्मच साबुत जीरा ले लिया है, ये भी फ्लेवर के लिए ही है और साथ में ये हमारे पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। अब इसमें मैंने एक से डेढ़ गिलास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें 95% तो खुद ही पानी होता है। इसमें पानी में सिर्फ एक से डेढ़ गिलास ही इस्तेमाल करूँगी। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद इसको मैं छान लूँगी। ये देखिए, मैं इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको भी आप इसको दोस्तों बनाइए और पीजिए, अपने कमेंट में साथ शेयर कीजिए। ये मैंने छान लिया है और इसको मैं चम्मच से धीरे धीरे पुश करते हुए सारे जूस को बाउल में निकाल लूँगी। ऊपर सिर्फ थोड़ा सा वो रह जाएगा, ये सारा ही छन जाता है। और देखिए, थोड़ा सा ही रह गया है ऊपर, सारा जूस इसके बाउल के अंदर आ गया है। अब इसको मैं एक देखिए, इसका ये पीने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया है पुदीना डालने से और जीरा डालने से। इसको मैं जार में डाल लेती हूँ। दोस्तों, इसको पीने से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया और जो गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो भी कंट्रोल होती हैं। हमारी बीपी है, हमारा शुगर है, उस सभी को ये कम करने में बहुत मदद करता है और हमारी बॉडी को इसमें हाई फाइबर होने की वजह से बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो दोस्तों, इसको बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी जो वीडियो है टाइम पर आपको मिल सके। और इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लगातार अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।